अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये हमारे दांडेली का एक विलेज है, हाल मंडी। तो यहाँ पर एक स्कूल है, सरकारी कन्नड़ स्कूल, दिखाइए, हिरिय प्राथमिक शाले। तो यहाँ पर इस पेड़ के अंदर एक सांप है, एक छोटी सी झलक मेरे को दिखाई दी। ये रैट स्नेक है, धामन है। तो धामन यानी कि नॉन वेनमस होता है। अभी इसको हमें बाहर निकालना है, हम लोग अभी इसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अनिल जो है, मेरे जो स्टूडेंट है, कारवार से आए हुए हैं, तो ये इसको रेस्क्यू करेंगे। और रेस्क्यू किस तरीके से करते हैं और इनका पहला एक्सपीरियंस क्या होता है रेस्क्यू करने के बाद, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। ये अभी ऊपर एक ऊपर गया हुआ है, ऊपर उसको जाने का रास्ता है। इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना है इसको सीखना जरूरी है। तो अपना दिमाग कैसे लगाता है देखेंगे हम लोग। तो इसको जगह तो ज़्यादा नहीं है ऊपर, तो अभी हम लोग थोड़ा सा धुआं करेंगे। सांप इधर तक पहुँच चुका है, यहाँ तक खोखला है ये पेड़। तो धुआं करने से धुआं उसको लग के वो बाहर आएगा। तो हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं धुएं का। ये धुआं डालने की वजह से अभी ये देखिए सांप इधर आ गया है। ले पकड़ो। तो अभी ये सांप को अभी थोड़ा पेड़ में दिखाओ, इधर आओ। तो हम लोगों ने कपड़ा जला के उसको बुझा के फिर उसका धुआं अंदर छोड़ा, और जिससे कि पेड़ को आग ना लगे इसीलिए हम उसको बाहर ही बुझा दिए और बुझा के यहाँ पर धुआं किया। तो धुआं करने की वजह से नीचे से आ गया, जो कि अभी मेरे स्टूडेंट के हाथ में है वो सांप। तो किस तरीके से बैगिंग करता है हमको ये दिखाना है। देखेंगे अभी किस तरीके से हमारे अनिल उसको खुले में ले गया, झाड़ में मत ले गया। हाँ, कपड़े को, हाँ ऐसा रख कपड़ा, ऐसा नहीं। हाँ, ये ट्रेनिंग चल रहा है, देखते हैं ये अपने से कैसा डालता है। हाँ चला गया। हाँ बंद कर दे, ट्विस्ट कर दे। तो अभी इसको सही तरीके से अनिल ने रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए। तो अभी अनिल का क्या कहना है और स्कूल के बच्चे हैं इनको हम बुला के कुछ अवेयरनेस की बातें करेंगे। मैडम सब बच्चों को लेके आओ। तो अभी सांप को बैगिंग करने का दिखाना बहुत जरूरी था, तो बैग लेके आओ अनिल। सांप को बैगिंग तो किया और बैगिंग करना हमारा मेन मकसद था, लेकिन बैगिंग करने के बाद में ये लोग जो बच्चे हैं और टीचर हैं हमारे देवराज भाई है, जिन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, तो हम लोगों को इन बच्चों को इस सांप के बारे में, ये धामन सांप के बारे में कुछ हम बातें बताएंगे, जिससे कि इनका डर, आइंदा कभी ये सांप आ जाए तो ये डर ना जाए। टीचर्स भी बहुत घबरा गए थे, डर गए थे, डर का माहौल था, जैसे कि कोई विचित्र प्राणी यहाँ पर आ गया हो जो सबको बारी बारी से मार देगा, तो उस तरीके का माहौल था। तो अभी हमको इसके बारे में बताना है। बैगिंग हो गया, बैगिंग किस तरीके से किया जाता है अनिल ने करके दिखाया। तो अनिल अब इसको बाहर निकालेगा और बाहर निकाल के ये सांप के बारे में थोड़ी जानकारी देगा। आओ थोड़ा, डरने का जरूरत नहीं, नहीं ये नॉन वेनमस है, ये बात ध्यान में रख, ये नॉन वेनमस है। इसके बारे में घट, हाँ पकड़। तो ये अनिल का डर दूर करना था कि सांप जो है ये नॉन वेनमस है, इसको आप किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये बताना जरूरी था। तो इसके लिए अनिल का अभी स्मूथ हैंडलिंग करना वो सीखना बाकी है। मैंने इसको जो गुर सिखाया था वो उस तरीके से कर रहे हैं। तो बच्चे लोग आवाज बंद करो, जल्दी जल्दी आओ। देखो मैं अभी बताना चाहता हूँ, ये
ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ ಕರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ರೀ ಹಾಂ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಹಾವಿಗೆ ಕೆರೆ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ ಡಾಮಿನ್ ಸಾಬ್ ಇಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಸ್ಕೋ ರೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಡಾಮಿನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಇಸ್ಕೋ ಹಾಂ ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏ ದಿಕ್ಕನೆ ಮೇ ಜಿಸ್ನಾ ಮೋಟಾ ಔರ್ ಲಂಬಾ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೈ ಹಾಂ ಇದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಒಂದ್ ಚೂರು ಕೂಡ ವಿಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಗರ್ ಕಾಟಾ ತೋ ಭೀ ಕುಚ್ ನೀ ಹೋತಾ ಯೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಹೈ ಈ ಅಗರ್ ಕಾಟೆ ತೋ ಭೀ ಇತ್ನಾ ಸಾ ಭೀ ಇಸ್ಕೋ ಅಸರ್ ನೀ ಹೋತಾ ಜಹರ್ ನೀ ಚರ್ತಾ ಈಗ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಡಿತೀನೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಕಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಂ ಜೈಸಾ ಕಿ ಏ ಬೋಲ್ ರೇ ಭೀ ಕಿ ಮೈ ಇಸ್ಕೋ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕರ್ ರಾ ತೋ ಯೇ ಸಾಂಪ್ ಕೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಿಲಾ ರಾ ಕಿ ಯೇ ಕಿಸಿ ಕೆ ಕಬ್ಜೆ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ಹಮೇಶಾ ಭಾಗ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಸೇ ಖುದ್ ಸೇ ಬಚ್ ಕೇ ಭಾಗ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಐಸಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಿಲಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕೋ ಜಬ್ ಸಖ್ತ ಜಕಡ್ ಕೇ ಹಮ್ ಪಕಡೆಂಗೆ ತಭೀ ವೋ ಹಮಾರೇ ಉಪರ್ ಕಾಟ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ಲಾ ಕರೇಗಾ ಇಸ್ನೆ ಹಮಾರೇ ಅನಿಲ್ ನೇ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಇನ್ಕೋ ಬತಾಯಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಇನ್ಕೋ ಹಿಂದಿ ಆತಾ ನೇ तो बच्चों को इसीलिए हम कन्नड़ में समझा रहे हैं इसका हिंदी में मैं अनुवाद करता रहूंगा हाँ बच्चे लोग आइए बच्चे लोग नजदीक नहीं आओ हाँ इधर हम लोग हैं बच्चे आओ ये हमारे देवरा सर फर्स्ट डेयरिंग कर रहे हैं शायद हाँ अभी एक एक बच्चे कौन पकड़ना चाहता पकड़ो नहीं नहीं चलता चलता क्या प्रॉब्लम है ये एक बहादुर लड़का तेरा नाम क्या सूरज है सूरज की तरह चमक रहा है बहादुर है और तेरा नाम गौरव देखो देश का गौरव बढ़ाएगा एक तो रोशनी बढ़ाएगा एक गौरव बढ़ाएगा जो नाम के मुताबिक ही पकड़े ऐसा लग रहा है मुझे तेरा नाम बेटा दिव्या अरे वाह दिव्या दिव्या है वो हाँ इसका डर देखो घबरा नजर आ रही है कांप रही है क्या नाम क्या स्मिता यानी कि हमारे भारत की अस्मिता टीचर पकड़ के देखो कौन है क्या भी नहीं करता चलो हाँ चलो अभी हम इसको बैग में डालते हैं हम तो वापस से अभी इनका इसका जो हमारे अनिल का वापस से हैंडलिंग किस तरीके से वापस बैग में डालता है अभी देखिए इसको बच्चों को दिखाने के बहाने इसका भी एक ये हो गया प्रैक्टिस हो गया नहीं आएगा उठाएगा तो दोस्तों हमारे को आज जैसा वीडियो मिला है इस तरीके का वीडियो हमेशा नहीं मिलता तो आप कैसा समझते हैं ये वीडियो को देखकर आप क्या फील करते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मैं देवराज अनिल आपसे यही कहते हुए विदा लेते हैं सब लोग एक साथ बोलो सेव नेचर सेव स्नेक सेव एनिमल